रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड वर्ड्स आर मेड व्हेन टू स्मॉलर वर्ड्स आर पुट टुगेदर। फॉर एग्जांपल, सन प्लस फ्लावर मेक्स सिंगल वर्ड सनफ्लावर। आज हम मैं आपको कंपाउंड इफेक्ट के बारे में भी बताऊंगी। स्मॉल स्मार्ट चॉइसिस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम मेक रेडिकल डिफरेंसेस। अगर दो लोग एक जगह से इकट्ठा काम शुरू करती हैं, एक बंदा सही चॉइसेस बनाता है, रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करता है, तो शुरू में तो इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद एक जो है वो कामयाब होगा और एक नाकाम। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा अपने लिए अच्छी चॉइसेस बनाएं, अच्छे डिसीजन करें, अच्छी आदत अपनाएं। जैसे एक छोटी सी बात है, एक बंदे को हमेशा सच बोलने की आदत हो तो उसे कोई चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती, वो गुस्से में, तंगी में, फरागत में हमेशा सच बोलेगा। इसी तरह जो है कीप स्माइलिंग इट इज़ सुन्ना, एक तो उसे सवाब मिलेगा, दूसरा यह है कि मुश्किल हालात भी गुजर जाएंगे, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होगी। इसी तरह बी पॉजिटिव, बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट, एक बंदा जो हमेशा हर चीज़ का मुस्बत रुख देखता है वो कभी भी ना उम्मीद नहीं होता, वो सब्र के साथ मुश्किल मिजाजी के साथ मेहनत करता रहता है। इसी तरह रिमेंबर टू से थैंक यू एंड लीव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। जब भी कोई आपके लिए कोई अच्छा काम करे, आप हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें। असल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना बंदों का शुक्रिया अदा करना है। तो ये है कैंडल लाइट। कैंडल लाइट भी कैंडल प्लस लाइट से मिलके एक लफ्ज़ बना है। इसी तरह टूथ प्लस ब्रश, टूथब्रश हम एक इकट्ठा लफ्ज़ लिखते हैं। इसी तरह आम चेयर, आम और चेयर से मिलके बना है कंपाउंड वर्ड। इसी तरह जेली और फिश दो अलहदा चीज़ें हैं, लेकिन एक जेली फिश भी होती है। तो इसी तरह फायर और वुड, फायर आग को कहते हैं, वुड लकड़ी को, और फायर वुड जिससे रोशन उसमें आतिशदान में आग जलाते हैं। इसी तरह बटर मक्खन को कहते हैं, फ्लाई घर की मक्की को, और बटरफ्लाई हम तितली को कहते हैं। इसी तरह रेनबो, रेन बारिश, और बो जो ये बो बनाते हैं, और रेनबो मिलके एक लफ्ज़ बनता है। तो जॉइंट टू वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड। अब आपके सामने कुछ फ्रेजेज हैं, आपने इनमें से वर्ड तलाश करने और कंपाउंड वर्ड बनाना है। जैसे द साइड ऑफ अ टेबल बेड, द साइड ऑफ अ बेड। अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें तो हम आमतौर पे एक वर्ड इस फ्रेज में से ढूंढ के निकालते हैं, वो है बेड साइड। बेड साइड कंपाउंड वर्ड, बेड प्लस साइड इज इक्वल टू बेड साइड। इसी तरह टाइम टू ईट लंच, टाइम टू ईट लंच ये वक्त है दोपहर के खाने का। तो इसमें से भी आपने फ्रेज में से दो वर्ड्स चुनने हैं और उनसे एक बनाना है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें तो ये आ जाएगा लंच टाइम, लंच प्लस टाइम इज इक्वल टू लंच टाइम। और आपको पता है कि टुगेदर लंच टाइम्स कैन बी हैप्पी टाइम्स। हमेशा याद रखें कि शेयर करना है, आपकी खुशी में इजाफा होगा। द बीट ऑफ अ हार्ट, दिल की धड़कन को क्या कहते हैं, द बीट ऑफ अ हार्ट। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें। द बीट ऑफ अ हार्ट में से अगर हम हार्ट और बीट को इकट्ठा लिखें तो ये बन जाएगा हार्ट बीट, हार्ट बीट दिल की धड़कन। और आपको पता है कि होप इज द हार्ट बीट ऑफ द सोल, हमेशा पुरउम्मीद रहना चाहिए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अ बुक फॉर स्कूल, एक किताब स्कूल के लिए। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। इस फ्रेज में से आप कंपाउंड वर्ड क्या बनाएंगे? शाबाश, वेरी गुड, ये बनेगा स्कूल बुक, स्कूल बुक। इसी तरह आगे एक और फ्रेज है, द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च की रोशनी। तो इसके जो है वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और खुद से इसमें से कंपाउंड वर्ड तलाश करें। तो ये बन जाएगा टॉर्च लाइट, कैंडल लाइट था जैसे, इसी तरह टॉर्च लाइट। उसके बाद नेक्स्ट है द यार्ड ऑफ अ फार्म, यार्ड कहते हैं सेहन को, फार्म कहते हैं खेत को। तो इसमें से जो कंपाउंड वर्ड बनेगा वो बनेगा, शाबाश, फार्म यार्ड, यानी फार्म यार्ड खेत का सेहन।
तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप कंपाउंड इफेक्ट आज से छोटी छोटी नेकियों की कमेटियां डालना शुरू करें, सोच समझ के रोज अच्छी बातें अच्छी आते हैं अपना, इंशाल्लाह कल को आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। इस वीडियो को लाइक और